चलते शाहिद कपूर और मीरा राजपूत पर जिम जाने पर बीएमसी ने एक बड़ा कदम उठाया है, तो वहीं आयुष्मान खुराना ने कोरोना वायरस को लेकर चार लाइनें लिखी है। तो दूसरी ओर लता मंगेशकर को अब याद किया जा रहा है जब कोरोना वायरस लोगों के बीच आ गया है, उनका एक रोमांटिक गाना। तो वहीं बाथरूम के अंदर मास्क लगाने पर ट्रॉल हो गई दीपिका पादुकोण। तो ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं बॉलीवुड रैप की ओर। कपिल शर्मा शो अब बंद होने वाला है। बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दी कपिल शर्मा शो का एक एपिसोड जिसे 18 मार्च को शूट किया जाना था, उसकी शूटिंग कैंसिल कर दी है। स्टार कास्ट से लेकर क्रू तक सभी लोगों को घर पर बने रहने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस से उपजे संकट पर आयुष्मान खुराना ने लिखी चार मार्मिक लाइनें। उन्होंने लिखा, अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया और गरीब है अपने सोमवार के इंतजार में। अब अमीर का हर दिन सह परिवार हो गया और गरीब है अपने रोजगार के इंतजार में। कोरोना वायरस के चलते लता मंगेशकर का 68 साल पुराना गाना हो रहा वायरल। सुनकर लगेगा कोरोना से बचने की एडवाइजरी है। गाने की बोल है, दूर दूर से अजी दूर दूर से, पास नहीं आइए हाथ न लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से, कीजिए इशारा दूर दूर से, दूर दूर से अजी दूर दूर से, अजी दूर दूर से, पास नहीं आइए हाथ ना लगाइए। यह गाना 1952 में आई फिल्म साखी का है। गाना प्रेमनाथ और मधुबाला पर फिल्माया गया है। सारा अली खान काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पर विवादों में घिरी। सारा अली खान द्वारा बनारस में मंदिरों के दर्शन करने पर समिति के महासचिव चंद्रशेखर कपूर ने कहा, मंदिर में सारा का आना परंपराओं और स्थापित मानदंडों के खिलाफ है, इससे मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। जहां लगे साइन बोर्ड पर यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, वही एक और ने लिखा है, पुजारी ने, यद्यपि हिंदू धर्म में उनकी रुचि की हम सराहना करते हैं, लेकिन बात यह है कि वह मुसलमान है और धार्मिक संस्कारों में उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उनके लिए यह सब कुछ बेहद रोमांचक और मजेदार होगा, लेकिन हमारे लिए यह धार्मिकता का मामला है। जिम बंद होने के बाद भी शाहिद और मीरा राजपूत वीआईपी एरिया से बाहर आते हुए दिखे, इस पर बीएमसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कोरोना वायरस के चलते सरकार ने शहर के सभी जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर और क्लब बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन पिछले रविवार को शाहिद और मीरा राजपूत वीआईपी एरिया से बाहर आते हुए नजर आए थे। बाथरूम में मास्क लगाने को लेकर ट्रॉल हो गई दीपिका पादुकोण, यूजर्स ने कहा ओवर एक्टिंग। बता दें दीपिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो हैंड वॉश करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ दीपिका ने लिखा कि उन्हें हैशटैग सेफ हैंड के साथ नॉमिनेट किया गया था। दीपिका ने इस चैलेंज के तहत अब रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो और विराट कोहली को नॉमिनेट किया है। कोरोना का डर, लंदन से भारत आई सोनम कपूर ने खुद को आइसोलेशन में रखा। सोनम कपूर ने बताया कि एयरपोर्ट पर उनकी कई बार चेकिंग हुई। एयरपोर्ट से निकलने और घर पहुंचने के बाद सोनम परिवार के साथ ही रुकी हुई है और उन्होंने खुद ही अपने आप को आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है ताकि बाकी लोग सुरक्षा से रह सके। सलमान खान अभी फिल्म की शूटिंग में बिजी है, उसके बाद कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग करेंगे, उसके बाद चेक टू। लेकिन एक और फिल्म है जो अटकी पड़ी है और फिल्म का नाम है शेर खान। इसी जंगल एडवेंचर को सलमान खान के भाई सोहेल खान बनाना चाहते हैं, लेकिन यह फिल्म अभी तक शुरू नहीं हो पाई। सूत्रों का कहना है कि सलमान स्क्रिप्ट से खुश नहीं है, यह एक महंगी फिल्म है और उसकी शूटिंग में काफी समय लगेगा, हो सकता है कि ये फिल्म बने ही ना। लंदन से वापस लौटते ही आइसोलेशन में भेजे गए अनूप जलोटा। साथ ट्वीट करते हुए अनूप जलोटा ने लिखा कि मैं 60 साल से ज्यादा उम्र के पैसेंजर को बीएमसी की ओर से दिए जाने वाले मेडिकल केयर से डरा हूँ। मुझे होटल मिराज लाया गया है क्योंकि मैं लंदन से मुंबई आया था और डॉक्टर्स की टीम ने मुझे यहाँ भेज दिया। मुंबई की सिनेमा इंडस्ट्री में आने वाले कुछ दिनों तक फिल्म, टीवी, वेब सीरीज की शूटिंग रोके जाने का फैसला किया गया है। वहीं हर दिन मजदूरी करने वाले वर्कर्स को राशन देने की मुहिम भी शुरू की गई है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।